एक दफा का जिक्र है, एक बड़ा सा आम का दरख्त था। एक छोटा बच्चा रोज उस दरख्त के पास खेलने आता था। वक्त गुजरता रहा और वह बच्चा बड़ा हो गया और उसने दरख्त के पास आना छोड़ दिया। काफी अरसे बाद वो एक बार फिर दरख्त के पास गया और दरख्त को उदास पाया। दरख्त ने कहा, मेरे साथ खेलोगे? उस बच्चे ने कहा, मुझे पैसों की जरूरत है, खेल की नहीं। दरख्त ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं, आम हैं, ये सारे बेच दो। लड़के ने तमाम आम जमा किए और चला गया। दरख्त फिर उदास और तन्हा रह गया। वो लड़का जवान हो गया और एक दिन दरख्त के पास लौट कर आया। दरख्त ने फिर वही कहा कि मेरे साथ खेलोगे? उस बच्चे ने जवाब दिया, मेरे पास वक्त नहीं, मेरे खानदान को घर चाहिए। दरख्त ने कहा, मेरे पास घर नहीं, मगर मेरी शाखें ले जाओ और घर बना लो। वो शख्स तमाम शाखें काट कर ले गया। दरख्त एक बार फिर तन्हा रह गया। कई सालों बाद वो शख्स दरख्त के पास आया। मुझे माफ करना, मेरे पास कुछ नहीं सिवाय जड़ों के, दरख्त ने कहा। उस शख्स ने कहा, मुझे सिर्फ आराम करने की जगह चाहिए, इन सालों की मेहनत ने मुझे थका दिया है। मेरे बराबर में बैठ जाओ, दरख्त ने कहा। हमारे वालदैन भी इस दरख्त की तरह हैं, वो अपना सब कुछ हमारे लिए कुर्बान कर देते हैं। कभी भी उनकी मेहरबानियां नहीं भूलनी चाहिए, उन्हें प्यार और तवज्जो दें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अपने वालदैन से मोहब्बत करें।